तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फायर बोल्ट स्मार्ट वॉच में फोटो कैसे लगाए। अगर आपके पास फायर बोल्ट का स्मार्ट वॉच है और उसमें आप फोटो को चेंज करके अपना फोटो लगाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे फोटो कैसे लगा सकते हो। तो चले शुरू करते हैं। तो फायर बोल्ट का स्मार्ट वॉच में फोटो लगाने के लिए आपको स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी फोटो को आपको लगाना है वो फोटो लगा सकते हो। तो स्मार्ट वॉच को फोन से कनेक्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जी हाँ, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डाफिट हे वाला नाम सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को अपने फोन में यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप अपने फोन को स्मार्ट वॉच से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, हमने पहले से ही करके रखा है। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको करना है ओपन। इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करोगे आपके सामने शुरू में इस तरीके से आ जाता है प्रोफाइल। तो आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बर्थडे डेट डालना है, ठीक है, जो भी आपका बर्थडे डेट होगा वो डाल दीजिए। उसके बाद हाइट, उसके बाद वेट, ये सब डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड अ डिवाइस में जाके आप अपने स्मार्ट वॉच को मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे वॉच वाला आइकन मिलता है, वॉच पर क्लिक करोगे तो आपके पास हे वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आप ऐड अ डिवाइस पर क्लिक करके स्मार्ट वॉच को फोन से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऐड अ डिवाइस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लोकेशन के लिए बोलेगा, यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद जो भी आपका फायर बोल्ट का स्मार्ट वॉच है उसका नाम आ जाएगा, जैसे कि हमारा फायर बोल्ट 127 है, ठीक है। तो हमारा फायर बोल्ट का नाम आ चुका है। अब फोन से कनेक्ट करने के लिए आपको इस वाले नाम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे टू सेट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा और आपका फोन अपने स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको बैक आना है, उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपका फोन स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए कनेक्टेड। और हमारा स्मार्ट वॉच का बैटरी कितना परसेंट है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फोटो लगाना कैसा है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे अभी है फोटो लगा है तो इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हे वाला फोटो लगाएंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, हे वाला फोटो लगाएंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, हे वाला लगाएंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, देख लीजिए। बिल्कुल आसान है, जो भी फोटो आपको लगाना है वो लगा सकते हो यहाँ से ही, ठीक है। अब अपना फोटो लगाने के लिए शुरू में ही आपको यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन मिलता है, इसमें जाके आप अपना फोटो लगा सकते हो या फिर जो भी फोटो आपको लगाना है गैलरी में से वो लगा सकते हो, ठीक है। तो एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ करेंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे चूज फ्रॉम एल्बम है वाला नाम, इस वाले प्लस वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी में से जो भी फोटो आपको लगाना है स्मार्ट वॉच में उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हम ये वाला फोटो को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इस फोटो को क्रॉप करना है या फिर कितना बड़ा आपको यहाँ पे साइज में रखना है, इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा फोटो आपको रखना है वैसा क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव पर जैसे आप यहाँ पे ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे देख लीजिए लोडिंग हो रहा है और यहाँ पे देख लीजिए स्विचिंग बैकग्राउंड इस तरीके से आ रहा है, आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्मार्ट वॉच में फोटो लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है, यहाँ पे प्रोसेस होता है तब तक। बिल्कुल आसान तरीका है, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोज हम आपको रोजाना देते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75% 80% हो चुका है, तो वेट तो आपको करना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो अभी लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है, देख लीजिए,
लगभग कंप्लीट होने वाला है, 100% हो चुका है। और देख लीजिए फोटो लग चुका है हमारे स्मार्ट वॉच में, देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीका है, हमारा फोटो लग चुका है, देख लीजिए। इस तरीके से आप फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच में फोटो लगा सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब।